हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि रमजान मुबारक आने वाला है और हमने सोचा क्यों ना आपको रमजान की प्रेपरेशंस दिखाएं जो हम नॉर्मली। और बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया हुआ था कमेंट्स में कि रमजान की प्रेपरेशन दिखाएं, आप लोग रमजान में क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, कुछ रेसिपी शेयर करें। तो हमने सोचा हम शुरू से ग्रोसरी से शुरू करते हैं आपको दिखाते हैं कि हम रमजान की, वैसे तो हमने अभी ग्रोसरी की थी तो हम सिर्फ रमजान के जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो लेंगे और आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर करेंगे। हाँ। कुछ आपको मशवरे देंगे। और हम लोग तो खैर इतना ज्यादा ये समोसे वगैरह नहीं खाते, मैं रोज एक खाऊंगा और लेकिन बच्चे खाते हैं, बच्चे खाते हैं, घर का एक माहौल होता है तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी चल के आपको अपनी प्रेपरेशन सिखाते हैं। मैंने अलमीर की क्लासेस पहने हुए जो गाड़ी में रखे हुए थे क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं रमजान की प्रैक्टिस कर रही हूँ रात भर जागने की, ना सहरी तक जागते हैं हम तो रात भर जाग जाके ये हाल हो गए। तो खैर अभी चलते हैं और आपको रमजान की तैयारियां दिखाते हैं। महात्मा ने पहले सबसे पहले मुझसे सवाल किया कौन सा शरबत लेना है। कोई भी ले लो यार, यही ले लो। अरे कहाँ जा रही हो, शरबत तो ले लो। ये फातिमा यहाँ पे खड़ो के देख रही है कि दालों का मैं कुछ रमजान में कर सकती हूँ नहीं कर सकती। नहीं, मैं वो देख रही थी, सवैया देख रही थी, लोग वो खाते हैं ना शहरी में, फैनी हम नहीं खाते। हम नहीं खाते भाई। हाँ। फैनी मैंने कहा कि इतना वर्कआउट कौन करेगा, क्यों हैवी होती है बहुत यार। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं घर में बनाऊँ बड़े और उनको फ्रीज करूँ, बट अब मुझे रमजान में अपना शूट का रूटीन नहीं पता और इससे अच्छा कि मैं ज़ारा को सिखाऊँ। चलो सही है फातिमा, बहाने नहीं लगाओ, ले लिए बस, ठीक है रेडीमेड रेडीमेड ले लिए बस, सही है। नहीं मुझे ये देख के ऐसी मजे की लग रही है तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ अच्छा बन जाएगा। फातिमा मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं आपके लिए ले भी नहीं रही, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। रमजान की जरा प्रेपरेशन करूंगी। ऐसा लग रहा है बकरा चला रहे हो। क्या ले रहे हो यार, पता है इस बार मेरा वेट लॉस करने का, वेट लूज करने का प्लान है रमजान मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सहरी में वाइट ओट्स खाऊं। हर किसी का रमजान में वेट लूज करने का प्लान होता है, व्हाई यार? एक तो आप कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन ऑब्वियसली रोज़ा तो आप सवाब के लिए रखते हो, लेकिन फिर भी अभी मैं ऑलरेडी ट्राई कर रहा हूँ। चिकन, चिकन तो सबसे इम्पोर्टेंट है यार, वो बड़े वाले पान भी था। पान भी मिलते हैं यहाँ पे चिकन के फ्रीजर में, मुझे तो नहीं दिख रहे पान। पान का ही तो गेम है जाने। बीफ ले लें, लज़ाने बनाओगी? कुछ भी बना लूँ, एनीथिंग कोई। क्या बात है, चीज़ खाओगी, चीज़ बन जाओगी यार बच्चों के लिए। वैसी बड़ी चीज़ हो तो रमजान आ रहा है इस बार। अच्छा बुरी बातें नहीं करते, बीवी हो यार, क्या हो गया? तुम्हें बोल रहा था फातिमा, तुम्हें बोल रहा था। दीदी को बोलते तो मेरी जिंदगी हो, चीज नहीं बोलते। ओहो बोलो तो मेरी जिंदगी हो। थैंक यू। मतलब ये पतली है बहुत, नहीं ये देख ले, देखो बहुत छोटी है ये, इसमें बैटर कहाँ आएगा। मिल गई, मिल गई, सही साइज की मिल गई, सही साइज की। रोल की लेनी है, स्प्रिंग रोल की। सादिया मेरे पीछे लो इनके साथ। गाइस मेरा ब्रेड रोल्स बनाने का प्लान है और उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी ब्रेड। रेसिपी हम यहीं से शुरू करेंगे, सबसे पहले चाहिए होगी ब्रेड, हमें ब्रेड, उसके बाद हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम जो कि यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या हमने ले लिया है एक अदद पैकेट ब्रेड क्रम्स, उल्टा पकड़ा हुआ है, ब्रांड छुपा रही हूँ, देखिए ब्रांड छुपा रही है फातिमा। देखो ब्रांडिंग क्यों करें हम किसी भी ब्रांड की, व्हाई व्हाई फॉर फ्री, नो है ना, सब अच्छे होते हैं, ऑब्वियसली सब अच्छे होते हैं, हम सब यूज करते हैं यार। ये ऐसा आइटम सही है, ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि गिफ्ट भी करने होंगे और फातिमा ही उठाना 10-20 डब्बे इसमें से, हेल्प करो यार, देखो बांटनी नहीं होगी इधर उधर नीचे आगे पीछे। यू आर सो स्मार्ट, मामा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। तो ये हमारी हीरोइन आज आ गई हैं सब्जी लेने। हम वहाँ सब्जी लेने पहुँचे
तो मैं कंफ्यूज हूँ कि बच्चों के लिए मिर्ची नहीं डालनी, तुम्हारे लिए डालनी है, तो किस तरह बनाया जाए? तो कोई ऐसी चीज में बना देना जो जो बच्चे निकाल ले, मतलब इस साइज की हो कि बच्चे निकाल, ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे ऐसे मेहनत ही करते हैं ना। कैबेज, और ये एक छोटा सा पीस हम उठा लेंगे कैबेज का, बिकॉज बाकी वेस्ट होता है और अच्छा नहीं होता ऐसे खाने की चीज को। ये निकल सकती है इसमें से? नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकती है, पकड़ के मारते हैं। उनकी चीजें नहीं छेड़ो फातिमा। अरे यार ये अंकल, ये आपकी चीजें छेड़ी है। ये चीजें छेड़ी है मैडम। अच्छा मैं आपको एक बात क्या बताऊं, जब हम लोग की नई नई शादी हुई थी और हम गए थे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो कंवर ने मेरे बैग में ऐसे ही जो है ना वो कांटे चम्मच उनके छुपा के उनको कंप्लेन कर दी वेटर को, सही वाला प्रैंक हो गया था। हाँ कि देखिए इन्होंने आपकी कटलरी चुराई, आप देखें ऐसा कोई करता है क्या? मैं करता हूँ, तुम आप ही जैसे जवाब मत दो। गाइस ये मैंने कवर को काम पे लगा दिया अभी, नींबू और हरी मिर्च कैसी हरी मिर्ची आ रही है आजकल? चलो मैं कैसी हरी मिर्ची, तो मैं पतली पतली पसंद है ना, पतली पतली नहीं, ये अगर मोटी भी हो तो थोड़ी वो क्रिस्पी होनी चाहिए, जिम जाती हूं क्रिस्पी होनी चाहिए। ये फातिमा है जो सब मसालों में खो चुकी हैं, बहुत एजुकेशन चल रही है, बहुत जदी पढ़ाई हो रही है, बस करो फातिमा यार चले, भूख लग रही है मुझे, कहा था खाना खा के नहीं। फातिमा कौन सा जूस पियोगी, ग्रेपफ्रूट या फिर कैरेट? आई थिंक ग्रेपफ्रूट इज बेटर, ये ओनली फॉर डिस्प्ले को दिखा, क्योंकि बनाना शेक जो फ्रेश बना के देते हैं वो ऐसे रखते नहीं आप। तो इन्होंने पानी में अभी पेंट मिलाया है, बनाना जाया किया है उसके लिए, वेरी बैड। शुगर केन जूस भी देखो ओनली फॉर डिस्प्ले, इन्होंने जाया किया। ये ले लेते हैं, उनकी स्किन का राज पता चला कि वो जूस पीती हैं और वो कैरेट भी पीती हैं और ग्रेपफ्रूट भी पीती हैं। दे देंगे, हम रमजान के एसेंशियल्स लेने आए थे और करते करते कुछ ज्यादा ही सामान हो गया, जो ऐसे हमेशा हो ही जाता है। जी देखिए हम घर आ गए थे और ये आर्ट वर्क हमें करना है, लेकिन मस्तियां बच्चों की। चलो चलें रमजान डेकोरेशन करें, मैं तो मोबाइल से लिख कर करूंगा। और आप माऊ? मैं शेफ हूँ, वैसे मुझे अच्छा शेफ हूँ। आप इफ्तारी बनाओगे हमारे लिए? और शहरी में पराठे, शहरी में आलू के पराठे दही के साथ। चलो आर्कवर करने चलते, ये मिरर में देख के बात बोलने की जरूरी थी। मैं मेरे पास है कुकिंग शेफ की टोपी, ओके अब हम करेंगे रमजान की प्रेपरेशंस। मम्मा मैं वाला लूंगा ताकि मेरा ये लाइट कलर है ना, इसका मेरा ज्यादा दिखेगा। ओके ये लो आपका येलो कलर। माबीर विच वन डू यू वांट? चलो जी मैं, मुझे येलो चाहिए था लेकिन अब क्योंकि बच्चों ने ले लिया है, ये भी मैंने येलो ले लिया। कोई बात नहीं माऊ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले लो। आप ये ले ले। ओ थैंक यू। अब थोड़ा दूर होके रखो, पेंसिल चाहिए। ओके जानी, हियर यू गो। आप कार्ड बनाओ रमजान मुबारक का, अपने किसी फ्रेंड को देना, ठीक है? भाई आपके लिए इतना बड़ा हार्ट बनाया मैंने। वाओ सो प्रिटी, ये मेरा है ना? ओके मैं आपके लिए भी अच्छा हार बनाता हूं। ओके जानी मम्मा रमजान बना दे। नहीं मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। गाइस मेरा तो हो गया है, लेकिन अभी नीचे बस रमजान मुबारक लिखना। गाइस ये बन गया है और अब बस इसको कट करके हैंग करना है। अलमीर देखो मैंने बना लिया,
ठीक है, तीनों अश्रों की दुआएं आप पढ़ना। तो अब रात के 11:15 हो रहे हैं, सब अपने अपने रूम में सो रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रमज़ान लैंटर्न, कोशिश कर रही हूँ और देखते हैं कैसा बनता है, सही बनता है कि नहीं। तो गाइज अब हम लैंटर्न बनाएंगे महावीर के साथ, इसकी ड्राइंग हम करने कर ली थी, अब इसकी कटिंग करेंगे। ओके माओ काम करते हम ना एक टॉर्च लेते ये बात ना के अंदर करना में लाइट जलने लगेगी। ओके बस के ना अपने रूम में रख देगा। मुझसे बेहतर अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब थ्रू आउट रमजान फर्स्ट अश्रे में चलते फिरते हमें याद रहेगा कि हमें ये दुआ पढ़नी है और इसके बाद आएगा रमजान। हाँ, और सेकंड अश्रे में हमें ये याद रहेगा कि ये दुआ पढ़नी है और थर्ड में ये वाली पढ़नी है। ठीक है, और पता है कि रमजान के बाद आएगी ईद, और जब रमजान आएगा तब बाबा मुझे रिमोट कंट्रोल कर वॉच दिला देंगे। मेरे भाई को वॉच चाहिए थे क्योंकि मैंने उसकी तोड़ दी थी। हो गया। और उसके बाद मैं ईद पर चलूंगा उससे। बाय।